السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد محترم ناظرين يا أيها الذين آمنوا استعلق سے خطاب چل رهاه الله رب العالمين قرآن كريم يا أيها الذين آمنوا كهكرك بغوث ساري أحكام أهل إيمان کو دیئے ہیں.

वहीसन जारी का तखफ़ी फलबलीयात याबी ने इस आयत में कहसास लेने का हुक्म दिया एक साल माशर तश्ल देने के लिए एक बेहतरीन और पुरान मुआरह बनाने के लिए ज़रूरी है कि उस माशरे में ऐसे कवानी नाफिस किए जाएँ जो कत्ल और खुरेजी के तल्ल से बड़े सख्त हों अबाना व ने नेर्न करीम जो नाजिल किया इस्लामी शरीयत जो नाजिल हुई इस्लामी शरीयत में कत्ल की सज़ा कत्ल को रखा गया चुनान चल रबलबी ने फरमायादी अमन कत आरी को मुल्क सासुफ अल कत् अय वो लोगों जो ईमान ले करके आए तुम एक बात याद रखो कि मकतूलिन के सिलसिले में तुम्हारे ऊपर के को लेना फ़र्ज़ किया गया है यानी तुम्हारे लिए वाजिब है और ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करता है तो मकतूल की फ़दीए में मकतूल की जानिब से आप उस शख्स को सजा दो जो कि कातिल है और उससे कसास लिया जाए और फिर उसकी तफसील बयान फरमाई अल्लाह ने फरमाया, फरमायाल्र बिलहर्री आज़ाद को आज़ाद के बदले वला अब्द बिलआबदी और ग़ल को ग़ल के बदले वलआनसा बिलआनसा औरत कोत के बदले कत्ल किया जाए कसासन उसके बाद लाला सब्हा त फरमाया कि फमन फ़ या लहुमिन अ फिबा उम बिलूफ व अदा उनहसान लेकिन अगर तुम में से किसी शख्स के लिए उसके भाई की जानब से कोई चीज़ माफ़ कर दी जाए यानी अगर जो मकतूलिन के जो वरसा हैं कत्ल जो शख्स हुआ है उसके जो वरसा हैं अगर वो लोग किसास लेना नहीं चाहते बल्कि वो ये चाहते हैं कि जो कातिल है वो कुछ फिदिया दे करके अपनी जान को बचा ले और वो उसके कत्ल को माफ़ करना चाहते हैं या मुकम्मल ही माफ करना चाहते हैं यानी सिरे से ही वो ना तो फदिया लेना चाहते हैं और ना ही क़िसास लेना चाहते हैं तो अल्लाह तआला ने फरमाया जाता है तो मारूफ तरीके से इस काम को कर लेना चाहिए व अदा उनहसान और अगर वो लोग कोई फिदिया तलब करते हैं तो अच्छाई के साथ उनको वो फदिया दे देना चाहिए अब आप यहाँ पर देखें अल्लाह सुबह ने तीन चीज़ें कही कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करता है तो उसको या तो किसासन कत्ल किया जाएगा और यही अव्वली हुक्म है जो अदालत है जो इस्लामी अदालत है वो इस्लामी अदालत यही फैसला करेगी कि कातिल कत्ल किया जाएगा लेकिन अगर मकतूल के जो वरसा हैं वो कतिल को दियत ले करके माफ़ कर देना चाहते हैं जुर्माना ले कर के फ़ाइन ले करके माफ़ कर देना चाहते हैं तो उनको वो हक हासिल है कातिल दियत दें कतिल के वसा दियत दें और मकतूल के वरसा उस दियत को हासिल करें और कातिल के केसास को माफ़ किया जाए उसके कत्ल को माफ़ कर दिया जाए तीसरा जो हुक्म है वो ये कि अगर मकतूलन के वरसा या मकतूल के वरसा ना तो कसास लेना चाहते हैं और ना ही फ़ाइन लेना चाहते हैं यानी दियत लेना चाहते हैं बस ऐसे ही माफ़ कर देना चाहते हैं तो उनके लिए उस चीज़ का भी इख्तियार है और अल्लाह सुबहाना ताल ने फरमाया कि दोनों में से यानी दियत ले करके माफ़ कर देना या वैसे ही माफ़ कर दिया जाए बग़ैर क़िसास और दियत के दोनों सूरतों में फतिबा उम बिल्माफ व अदा उनहसान मारूफ तरीक़े से इतबा करना है मारूफ तरीके से आगे बढ़ना है और अगर दियत का मुतालबा किया जाए तो अच्छाई के साथ दियत को भी दे देना है आगे आलमीन ने फरमाया तखफी व रहमा ये तुम्हारे रब की जानिब से तखफीफ़ है ये तुम्हारे रब की जानिब से रहमत है अब्दुल्ला बिन अब्बास सरदी अल्लाह तैन आनुम और कतादा वगैरह का ये कौल है इस आयत की तफसीर में कि जो अल्लाह सुबहान तैाली ने यहाँ पर तखफीफ़ की बात कही या अल्लाह सुबहान रहमत की बात कही वो इस तौर पर है कि पहले के ज़मानों में दियत लेना या माफ़ करना ये सारी चीज़ें नहीं थी चुनान चह कत रही का एक कौल है तफसीर तबरी में है उसमें उन्होंने जिक्र किया कि अहले किताब में से यहूद के यहाँ किसी भी शख्स को अगर कोई कत्ल कर देता है तो उसकी सज़ा कत्ल ही थी किसी भी शख्स ने अगर कत्ल किया तो बस उसकी सज़ा कत्ल है कोई दियत नहीं और कोई माफी नहीं और फिर ईसाइयों के यहाँ नसारा के यहाँ ये चीज़ बिल्कुल अलग हुई कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर देता तो उसकी सज़ा सिर्फ माफी थी आपको माफ़ कर देना है आप ना तो दियत ले सकते हैं और ना ही आप उसको केसासन कत्ल कर सकते हैं लेकिन अल्लाह सुबहान उम्मत महमदिया में इस उम्मत इस्लामिया को दरमियान में रखते हुए उम्म वसत रखते हुए अल्लाह रबी ने तीनों अहकाम उनको दिए कि अगर तुम कातिल से एहसास लेना चाहते हो तो इसकी भी इजाज़त तुम्हें हासिल है और अगर तुम कातिल को दिये लेकर के माफ कर देना चाहते हो तो इसकी भी इजाजत तुम्हें हासिल है और अगर तुम कातिल को ब़ैर कसास के बग़ैर दियत के माफ़ कर देना चाहते हो तो इसकी भी इजाज़त तुम्हें हासिल है और यही वो तखफीफ़ है और रहमत है जिसका जिक्र अल्लाह सुबहाना तहाँ पर किया जा रही का तखफ़ीफ हूँ मैं रब भी कुमरमा उसके बाद अल्लाह ने क्या फ़रमाया फमन अतदा बदारी का फ़लह आजाबली अब अगर इस हुक्म के बाद अगर कोई शख्स हद से तजावुज़ करेगा सरकशी करेगा तो उसके लिए दर्दनाक आज़ाब है माना इसका यह है कि अगर किसी शख्स ने किसी को कत्ल किया तो कातिल के साथ तीनों मामला में से कोई मामला कर लो या तो उसको कहसासन कत्ल कर दो या तो उससे दियत लेकर को उसको छोड़ दो या तो बगैर कसास और बग़ैर दियत के उसको छोड़ दो अगर इस चीज़ पर तुम्हारा मामला तय हो गया है तो अब उसके बाद किसी के लिए इजाज़त नहीं है कि वह खोरेज ही यानी अगर कातल को कसासन कत्ल किया जा चुका है तो अब कोई शख्स उसके खानदान वालों को गुस्से में जा कर के कत्ल ना करे या अगर तो, कातिल ने दियत दे दिया है तो फिर कोई शख्स काल को या उसके खानदान के किसी फ़र्द को कत्ल ना करें या अगर कातिल को माफ़ कर दिया गया है तो फिर माफ़ करने के बाद पूरा मामला मुतिन हो जाने के बाद फिर उसको कत्ल करने की कोशिश करना या फिर उसके माल को छीनने की कोशिश करना या उसके खानदान के अफराद में से किसी फ़र्द को कत्ल करने की कोशिश करना ये सब अतदा है अल्ला सुबह वाल का जो हुक्म है हुक्म पर अमल करो उस हुक्म पर फैसला कर लो कि आपको करना क्या है कहसास लेना है तो ले लो दियत लेनी है तो ले लो माफ़ करना है तो माफ़ कर दो फमन अतदा बदारी का इन सब चीज़ों के बाद जब भी कोई शख्स अतदा करेगा जुल्म करेगा सरकशी करेगा फ़लहों आदाबाल उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है अब जब अल्लाह रबी ने असास का हुक्म दिया और उसके लिए कुतब अली का सेगा इस्तेमाल किया कि तुम्हारे ऊपर फ़र्ज किया गया है कि मखतूलिन के सिलसिले में तुम कहसास तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और किसास के बारे में बहुत सारी अजीब अजीब बातें कहने लग जाते हैं आज के दौर में लोगों की जानिब से किसास के मसले को बड़ा हाईलाइट किया जाता है और इस्लाम के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया जाता है कि देखो इस्लाम जो है वो किसी शख्स को अगर कत्ल कर दिया गया तो उसकी जगह पर कातिल को भी कत्ल करने की बात करते हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए और जो लोग भी इस हुक्म के ख़िलाफ़ जाते हैं जो भी कुरान करीम के कहसास के मामले के ख़िलाफ़ हैं वो लोग ये दलील देते हैं कि अगर आपने कहसासन किसी को कत्ल कर दिया तो फिर आपने किया क्या आपने कैसे अच्छा किया आपको चाहिए ये था कि आप लोगों की जान बचाते आप तो एक शख्स को कत्ल करके आप लोगों की जान को दाव पर लगा रहे हो तो इस तरह के एहतराज आज किए जाते हैं और इस तरह के एतराज अल्लाह सुबहान तौ को मालूम है कि पहले भी किए जाएंगे जाएँगे चुनाशल्लाबी ने इन तमाम एतराज़ा के जवाब के लिए एक शॉर्ट में एक मुख्तसर में एक बात कह दी और वो क्या है अल्लाह ने फरमाया वलकुम फिल क़िसास हया तुम्हारे लिए किसास में ज़िंदगी है यानी किसास को तुम कत्ल समझते हो कि एक और जान का कत्ल किया जा रहा है एक और जान को इस दुनिया से भेजा जा रहा है ऐसा नहीं है वलकुम फिल क़िसास हया तुम्हारे लिए किसास में ही ज़िंदगी है और फिर अल्लाह तआला ने इस ज़िंदगी को यानि क़िसास में ज़िंदगी है इसको समझने के लिए क्या फरमाए या उलिल उलबाब ए अक्ल वालो अगर तुम्हारे पास अक्ल सलीम है अगर तुम्हारे पास सोचने समझने की सलाहियत है थोड़ा सा गौर करो तुम्हें पता चल जाएगा कि क़िसास के अंदर ही ज़िंदगी और वाकई अगर इंसान अपने अक्ल से गौर करें और ख़ुद देखें हालात को तो पता चलेगा कि वाकई क़िसास ज़िंदगी है कैसे अगर कातिल को कोई भी शख्स है जिसने कत्ल किया हुआ है और जानबूझ करके कत्ल करना उसका साबित हो जाए और उससे किसास ले लिया जाए उसको चौराहे में खड़ा करके उसको कत्ल कर दिया जाए क्या उसके बाद किसी की हिम्मत होगी कि दोबारा किसी को कत्ल करे आज हमारे यहाँ ये कानून न होने की वजह से ही हम देखते हैं कि हर तरफ कत्लो खुरेज़ी का बाजार गर्म है आप कभी भी किसी भी दिन का न्यूज़पेपर उठा करके पढ़ लो किसी भी दिन का अखबार आप उठा करके पढ़ लो आपको ढेर सारे कत्ल के वाक़ मिलेंगे फ़लाने फला वदा कत्ल किया फ़ला वदा फ़ला को कत्ल किया कोई भी दिन ऐसा नहीं जाएगा कि जब अखबारात किसी के कत्ल की खबर से खाली हों और अफसोस तो उस वक्त होता है कि आज के हालात को आप देखें कि आम आदमी आम आदमी को नहीं बल्कि ख़ास ख़ास को कत्ल कर रहा है कभी हम इस तरह के भी अखबारात पढ़ रहे हैं कि बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया बेटे ने माँ का कत्ल कर दिया कभी हम ये पढ़ रहे हैं कि बाप ने बेटे का कत्ल कर दिया कभी हम ये पढ़ रहे हैं कि किसी शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया बीवी ने अपने शौहर का कत्ल कर दिया बहुत आम हो चुका है आज यहाँ पर लोग थोड़े से गुस्से में आते हैं और कत्ल की बात करने लग जाते हैं अपने बंदूक और अपने हथियारों को निकाल करके कत्ल की बात करने लग जाते हैं वजह क्या है वजह यह कि उनको मालूम है कि मैं कत्ल कर दूंगा तो मेरा ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है दो चार साल जेल में रहूँगा दस साल जेल में रहूँगा उसके बाद मैं फिर निकल करके बाहर आ जाऊँगा और बहुत सारे लोग तो अपने असर वरसूख का इस्तेमाल करते हैं अपने अहदे और मुनासिब का इस्तेमाल करते हैं वो जेल भी नहीं जाते तो हमारे यहाँ किसास की सज़ा ना होने की वजह से आप मामला देखो कितना अबतर हो चुका है कितना ख़राब हो चुका है कि हर तरफ़ कत्लो खो रेजी का बाजार गर्म है वहीं पर अगर किसी शख्स ने किसी को कत्ल कर दिया और उसकी पादाश में उसके सज़ा में उसको कत्ल कर दिया जाए कसासन तो फिर उसके बाद आप देखो कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई और उन ममालिक को भी देख लिया जाए जिन ममालिक में शरी कवानी नाफिज़ हैं जहाँ कहसासन लोगों को कत्ल किया जाता है आप उन ममालिक के हालात जा कर के देखें वहाँ पर लोग कैसे अमन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो लिहाजा थोड़ी सी भी अगर कोई शख्स अक्ल इस्तेमाल करेगा तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि क़िसास में मौत है बल्कि अल्लाह ताला ने जो कहा कि वलकुम फिल क़िसास हया क़िसास में ज़िंदगी है उसको भी क़िसास में ज़िंदगी ही नज़र आएगी लेकिन शर्त क्या है या उलिल ए अक्ल वालों अपना अक्ल इस्तेमाल करो ला लकम तत्तकून ताकि तुम अल्लाह सुबहान ताली से बच सको अल्लाह अबाबिन का खौफ तुम्हारे दिलों के अंदर लाएक हो तो महतरम हाजरीन या महतरम नाजरीन आप देखें कि अल्लाह सुबहान तसास का हुक्म इस आयत में दिया और उसी को हाईलाइट किया हालांकि दियत भी दी जा सकती है, हालांकि माफ़ भी किया जा सकता है लेकिन कहसास का हुक्म बहुत अहम है वो एक शर्यी क़ानून है जो क़ानून नाफिज होना चाहिए अगर वो कानून नाफज हुआ तो पूरे माशरे में हर तरह अमन और सुकून फैल जाएगा बहुत सारे लोग जो एतराज़ करते हैं कि किसास नहीं लेना चाहिए किसास में एक इंसान को कत्ल किया जाता है किसास में एक इंसान को मारा जाता है वो अपने आस पास होने वाली मिसालों पर ज़रा गौर कर लें तो उनको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी हमारा जो जिसम है हमारे जिसम का कोई एक हिस्सा जब ख़राब हो जाता है तो उसका हल क्या होता है कि उसको अपने जिसम से निकाल दिया जाए बहुत सारे लोगों के पैर काट दिए जाते हैं क्योंकि उनका पैर सड़ चुका होता है और अगर उनके पैर को ना काटा जाए तो इस बात का अंदेशा होता है इस बात का खतरा होता है कि वो जहर जो है जो उनके पैर में है वो जहर उनके पूरे जिस्म में फैलेगा और फिर इस तरह से उनका पूरा जिस्म ख़राब हो जाएगा और वो मौत के करीब चले जाएंगे बहुत सारे लोगों का एक गुर्दा निकाल लिया जाता है एक गुर्दा खराब हो गया उसको निकाल लिया जाता है क्योंकि अगर उसको वहाँ पर छोड़ दिया गया तो वो जहर पैदा करेगा तो जिसम के बहुत सारे अज़ा को हम काटने के लिए और कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं किसकी वजह से डॉक्टरों की वजह से डॉक्टर बोलता है कि आपका ये उज्व आपका ये हिस्सा आपके जिसमें में नहीं होना चाहिए अगर ये हिस्सा आपके में होगा आपके पूरे जिसम को ख़राब कर देगा इसी तरह आप देखो कि दरख्तों की काट छाट होती है जो दरख्त हैं बड़े दरख्त हैं बड़े दरख्तों को बाकी रखने के लिए उनकी जो छोटी छोटी और पतली पतली शाखें होती हैं उनको काटा जाता तो आप दुनिया में उसके ढेर सारों आप मिसालें देख सकते हैं तो उसी तरह से अल्लाह सुबहान ताली के यहाँ क़ानून ये है कि अगर लाख लोगों की या करोड़ लोगों की या सौ करोड़ लोगों की जानों की हिफाजत करनी है और उनके जानों की हिफाजत के लिए एक आदमी को कत्ल कर दिया जाए तो ये तो बेहतर है एक आदमी को कत्ल कर देंगे तो वह सारे लोगों के लिए इबरत का सामान बन जाएगा वो सारे लोगों के लिए नसीहत का सामान बन जाएगा फिर उसके बाद कोई भी शख्स हिम्मत नहीं करेगा किसी के ऊपर आंख उठाने के भी किसी को कत्ल करने की बल्कि कत्ल के बारे में सोचने की भी हिम्मत कोई इंसान नहीं करेगा इसलिए अल्लाह ने फरमाया फिल क़िसासी हयात उन कि तुम्हारे लिए किसास में क्या है हयात है तो ये अल्लाह व तआला का हुक्म है यादीन आमनू कह करके अय वो लोगों जो ईमान लेकर के आए कि तुम्हारे ऊपर कसास को फ़र्ज़ किया गया है लेकिन ज़ाहिर सी बात है हम जिस मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस मुल्क में एक ऐसा क़ानून चलता है जो जमहूरीत वाला कानून है जो सारे लोगों को एक साथ ले करके चलने वाला कानून है हम उस कानून का अहतराम करते हैं उस क़ानून में जो बातें जिक्र की गई हम उसकी इज्जत करते हैं लेकिन हम ये मानते हैं कि अल्लाह सुबहाना तैाल का जो क़ानून है वो सब बेहतरीन क़ानून है और उसको अगर नाफिस कर दिया जाए तो उसमें सब की भलाई है और सिर्फ हम नहीं बहुत सारे गैर मुस्लिम हजरात भी आज इस बात को मानते हैं कि इस तरह के कवानीन का नाफिज होना ही हमारे माशरे के लिए ज़रूरी है फिर हम जब देखते हैं कि कभी कभार आ, कुछ ऐसे वाक़ होते हैं रेप केसेस आते हैं अजना बिलजब्र के वाक़ होते हैं बहुत सारे लोग ये बोलते हुए नज़र आते हैं कि इनको फांसी देना चाहिए बहुत सारे लोग ये बोलते हुए नज़र आते हैं इनको कत्ल कर देना चाहिए और ये बोलने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं होते ग़ैर मुसलमिन भी होते हैं तो उनका मानना ये है कि अगर किसी शख्स को कत्ल कर दिया जाता है पूरे माशरे में अमन पैदा करने के लिए पूरे माशरे की हिफाजत करने के लिए एक ऐसे शख्स को जिसका कत्ल होना ही ज़रूरी है जिसने किसी और को कत्ल किया है जिसका कत्ल साबित हो चुका है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है और अल्लाह सुबहान कानून का हमें इसकी इजाज़त देता है आइए आगे बढ़ते हैं हम अगले खिताब की तरफ अल्लाह सुबहान उसी के जश्न दो चार आयतों के बाद अहिल ईमान को खिताब करते हुए फरमाया फ़रमायादी आनु कुमसयाम कमा कुतबादी अल्लाह अबिलालबी ने फरमाया ए वो लोगों जो ईमान लेकर के आए एहल ई ईमान कुतब अली कम्स्याम तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए कमा कमाकुतब अल्लीन अन कबिलकुम जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए लाअम तत्तकून ताकि तुम तकवाशार बन जाओ ताकि तुम अल्ला रब्लबीन से डरने वाले बन जाओ इस में अल्लाह इसम सुबह ने हम सब के ऊपर रोज़ा फ़र्ज किया है इस बात का हमें हुक्म दिया और इस बात की हमें ख़बर दी कि तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए और वैसे ही फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों पर रोज़े फ़र्ज किए गए अब जो हमसे पहली वाली जो उम्मतें उनके ऊपर उस नौईयत के साथ रोज़े फ़र्ज नहीं किए गए जिस नौईयत के साथ हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसा कि हमें मुबारक के महीने में रोजे रखना है पहली उम्मतों में ऐसा नहीं था पहली उम्मतों में भी रोज़े थे लेकिन उनके लिए अय्याम अलग थे उनका महीना अलग था ऐसा नहीं था कि सारे लोग रमज़ान के रोज़े रखते थे तो इसलिए अल्लाह रब्लबी ने कहा कि जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए और ये कहने की वजह क्या है ये वजह ये है ताकि अहिल ईमान को तसल्ली दी जाए उनके हौसले को बढ़ाया जाए कि आप रोज़ा रखने में अकेले नहीं हैं आपसे पहले वाले लोगों ने भी रोज़े रखे क्योंकि अरब कहा करते थे कि अलमसीबत अमत खफत मुसीबत जब आम होती है ना तो वो हल्की हो जाती यानी अगर हम ये देखते हैं कि हमें कोई बीमारी है और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि साथ वालों को भी बीमारी होगी तो इंसान को थोड़ा सा हल्का फ़ील होता है कि मैं इस चीज़ में अकेला नहीं लेकिन अगर कोई बीमारी कोई परेशानी एक इंसान को लाख हो और उसके इल्म के मुताबिक वो परेशानी किसी और को लाख ना हो तो उसकी परेशानी और भी बढ़ जाती तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं आपके ऊपर कोई नया हुक्म नहीं दिया जा रहा है ये वही हुक्म है जो तुमसे पहले वाले लोगों को भी दिया गया था जो तुमसे पहले वाले लोगों के ऊपर भी फ़र्ज किया गया था तो अल्लाह सुबहाना तआला ने हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए और रोज़ा फ़र्ज़ करने का मकसद भी बताया ये कहा अल्लाह आलमीन ने कि रोज़ा रखना या रोज़ा रखवाना अल्लाह ताला को मकसूद नहीं है इंसान भूखा रहे इंसान प्यासा रहे इंसान तकलीफ़ का शिकार रहे मुसीबत का शिकार रहे सबहान तआला ये नहीं चाहता बल्कि अल्लाह का मकसद क्या है ताकि ताकि तुम तकवा बन जाओ रोज़ा रख के तुम अल्लाह सुबहान इबादत करने वाले बन जाओ अल्लाह का तकर्रब हासिल करने वाले बन जाओ तो इसलिए इस अजीब मकसद की खातिर अल्लाह आलमीन ने हम सब के ऊपर रोज़ा फ़र्ज किया गया रोज़ा जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया ये तीन मराहल में अल्लाह व तआला ने रोज़े फ़र्ज़ किए पहला मरहला ये था कि पहले रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज नहीं थे आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम हर महीने के तीन दिन और आशूरा का रोज़ा रखा करते थे ये पहला मरहला है फिर दूसरे मरहल में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए लेकिन रमज़ान का रोज़ा इस तौर पर फ़र्ज़ किया गया कि जो चाहे रखे जो चाहे ना रखे अल्लाह लार्ब रबालरबी ने फरमाया वदी कूँ न फिद यामक कि जो लोग रोज़ा रखने की ताक़त रखते हैं लेकिन फिर भी रोज़ा नहीं रखना चाहते तो उनके लिए ये है कि वो फिद याम व मस्किन एक मस्किन को खाना खिला दें और वो रोज़ा ना रखें तो ये दूसरा मरहला है कि जब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो फ़र्ज होने के बावजूद भी इख्तियार दिया गया कि अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो रखें नहीं रखना चाहते हैं और फिदिया दे करके आज़ाद होना चाहते हैं तो आप रोज़ा ना रखें तीसरा जो मरहला आया उसमें हर शख्स के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया अल्लाह रबी ने फरमाया फमन शहीद बबिन को मुशाह तुम में से जो शख्स भी रमज़ान के महीने में हाजिर हो चाहिए कि वो रोज़ा रखें इस आयत के ज़रिए से हर शख्स के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया और इससे पहले जो ऑप्शन था कि अगर आप रोज़ा नहीं रखना चाहते हैं तो फिदिया दे करके आप रोज़ा छोड़ दें वो ऑप्शन भी ख़त्म कर दिया गया कि माजूर और मजबूर लोगों के साथ रुख़त अभी भी बाकी है जैसा कि अल्ला ने फरमाएमान को मरीजन सफरफ़तुनयान तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो वह दूसरे अयाम में अपनी गिनती पूरी कर लें तो जो मरीज़ हैं जो मुसाफिर हैं उनको रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी गई मर्ज़ की वजह से या सफ़र की वजह से लेकिन उनको भी उन रोज़ों की क़ा करना लाजमी है तो इन तीन मरा में रोज़ा फ़र्ज हुआ और आखिरी मरहला यहाँ पर आकर करके रुका कि सारे लोगों के लिए रोज़े फ़र्ज हैं कोई भी शख्स रोज़े के इस हुक्म से आरी और खाली नहीं है और ये जो रोज़ा है हम सबको जानना चाहिए कि ये रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से अहम रुकन है अल्लाह ने इस्लाम की जो पांच बुनियादें जिक्र की हैं कलम शहादत उसके बाद व इामा मिसअला नमाज़ क़ायम करना व इताज़क़ा और ज़क़़़़़त देना वसौ में रमज़ान हज और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना और हज करना तो इस्लाम के जो पांच बुनियादी अरकान हैं उनमें से चौथा जो रुकन है अहम रुकन वो रोज़े रखना है अल्लाह अल्ला सुभान ने रोज़ों को फ़र्ज किया है यानी ये बुनियादी रुकन है इसके बगैर किसी भी मुसलमान के इस्लाम का तसुर नहीं अफसोस होता है कि आज के ज़माने में जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता चला जा रहा है वैसे लोग रोजे के मामले में भी तसाहुल बरतते जा रहे हैं पहले तो लोग सिर्फ नमाजें छोड़ते थे रमज़ान में रोजे रख लिया करते थे लेकिन अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ा नहीं रखते बहुत सारे हट्टे कट्टे बहुत सारे नौजवान लोग रोजा रखने से दूर भागते हालांकि ये ऐसे लोग हैं कि अगर इनको डाइट के लिए डॉक्टर किसी चीज़ को ना खाने का मशवरा दे कम खाने का मशवरा दे डॉक्टर की बात मान लेते लेकिन अल्लाह व ताल की बात मानने को तैयार नहीं है लिहाजा आप इस बात को याद रखें कि अल्लाह रबी ने आपके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया है वो रोज़ा रखना आपके लिए ज़रूरी है और जो लोग भी रोज़ा नहीं रखते उनके सिलसिले में सख्त वईद वारद हुई है अल्लाह के रसूल सल अल्लासम बयान फरमाए कि एक मरतबा मैं सो रहा था और मुझे ख्वाब में दो फरिश्ते आए और उठा करके लेकर के गए कई मरल और कई मनाजिर नबी सलाम को उसमें दिखाए गए आप सलाम ने एक मंजर के बारे में जिक्र किया कि मैंने देखा कि लोगों को उनकी हड्डियों के बल उनको लटकाया गया है और इस तरह से कि उनकी बाँछें चिरी हुई हैं और उनकी बाँछों से खून बह रहा है नबी सलाम ने जब पूछा कि ये कौन लोग हैं जिनके साथ ये मामला किया जा रहा है तो फरिश्तों ने बताया कि हुफिरू नबल तहल्लो महिम ये वो लोग हैं जो रोज़े जो इफ्तार का वक्त होने से पहले इफ्तार कर लिया करते थे आप जरा गौर करें अल्लाह अकबर कि जब ऐसे लोगों का ये मामला है जो पूरे दिन रोज़ा रखते हैं लेकिन इफ्तार का वक्त होने से पहले इफ्तार कर लेते हैं कि उनको जहन्नम में ये सज़ा दी जा रही है तो जो शख्स मुकम्मल रोज़े ही नहीं रखता उसका क्या आलम होगा उसके बारे में क्या वईद होगी उसके बारे में क्या शदीद होगी हम सबको अपना मुहासबा करना चाहिए और इन व़द को अपने जहन में बार बार लाना चाहिए ताकि कभी भी शैतान हमें रोज़े से गाफिल ना करने पाए हाफिज़ जहबी ने तो अलकबायर में अपनी किताब अलकबायर में रोज़ा छोड़ने को बगैर उज़र के रोज़ा छोड़ने को जिक्र किया और आपने उसमें ये जिक्र किया कि हाफिज़ जहाबी रहमतुल्लाह ने फरमाया तमाम उम्मत का इस बात पर इजमा है कि जो शख्स भी बग़ैर उज़र के रमज़ान के रोज़े छोड़ देता है फह शर्रुम शरुम जानी व मुदमिन तो वह जानी से भी ज़्यादा बुरा इंसान है और हमेशा शराब के नशे में धुत रहने वाले इंसान से भी ज़्यादा बुरा इंसान है बल्कि आपने ये भी फ़रमाया कि बल यशक्कू नी इस्लामी ही बल्कि इल्म को उसके इस्लाम के बारे में भी शक है इस वो मुसलमान हैं या नहीं वनू न भी जंदाल और आपने ये भी फरमाया कि जो इल्म हैं वो उसके बारे में डरते हैं कि कहीं वो जिंदी ना हो जाए कहीं वो मिलहद ना हो जाए और इहद की तरफ ना चला जाए तो ये अपने आप में बहुत ख़तरनाक जुर्म है लिहाजा हमें से हर शख़्स को ये चाहिए कि जब भी रमज़ानमबारक का महीना आए वो रोज़े रखें अगर वो बीमार हो जाए या सफ़र की हालत में हो और उसको रोज़ा छोड़ने की ज़रूरत महसूस हो रही हो तो वो रोज़ा छोड़े लेकिन रोज़े को बिल्कुल बिल्कुलिया छोड़ देना ये किसी भी मुसलमान के लिए और किसी भी मोमिन के लिए जेब नहीं देता और फिर साथ में हम ये देखते हैं कि जहाँ रोज़ा हमें अल्लाह व तआला के करीब करता है वहीं रोज़े के दुनियावी फवायद भी बहुत सारे रोज़े में रूहानी फ़ायद हैं रोज़े के माशरती फ़वाद हैं रोज़े के सहे फ़वाद हैं रोज़े के रूहानी फ़वाद में से एक ये है कि अल्लाह सुबह त के तल्ल से ईमान बढ़ता है इबादत में लज्जत पैदा होती है इंसान अपने आप को अल्लाह अबलालबीन के करीब महसूस करता है इंसान नमाजों में मशगूल होता है रोज़ा रख के वो कुरान करीम की तिलावत करता है रोज़ा रखने के बाद अपने आप को वो गुनाहों से दूर कर लेता है अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करता है ये सब रूहानी फवायद हैं रोज़े के माशरती फ़वाद में से एक ये है कि इंसान को गरीबों की तकलीफ़ का एहसास होता है भूखे रहने वालों के भूख का एहसास होता है और फिर उसके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि जैसे मैंने अपने भूख को बर्दाश्त किया वैसे हजारों लाखों लोग भूख को बर्दाश्त करते हैं मुझे उनकी मदद करनी चाहिए वो अपने ताउन के हाथ को उनकी तरफ बढ़ाता है वो उनके दर्द को समझता है वो उनकी तकलीफ़ को समझता है और इस तरह से वो एक बेहतरीन इंसान बन करके खदमत खलक़ में बहुत सारे कार नुमाया अंजाम देता है रोजे के सही सिवायद भी हैं कि इंसान का बदन जो है रोज़े की वजह से रोज़ा रखने की वजह से सही सालिम होता है जो उसकी आते हैं वो साफ़ सुथरी हो जाती हैं जो उसका मैदा है वो मैदा भी साफ़ होता है और बिल्कुल ताहिर हो करके वो और अच्छे से फंक्शन करने लगता है और अच्छे से काम करने लगता है रोज़ा रखने की वजह से इंसान के अंदर जो गैर ज़रूरी चीज़ें उसके पेट के अंदर या उसके जिसम के अंदर पैदा होने लगती हैं वो सब ख़त्म होती जाती हैं फ़ैट इंसान का ख़त्म होता है इंसान ज़्यादा ताकतवर बनता है जिसकी वजह से ख्वाहिशा नफसानी पर कंट्रोल रखने में आसानी होती है अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम देने में आसानी होती है ये सारी चीज़ें और इसके अलावा और भी बहुत सारी आसानियाँ और भी बहुत सारी ख़ूबियाँ हमें रोज़े के अंदर मिलती हैं तो जब रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह सुबहाना व ताल की रज़ा भी है अल्लाह सुबहान व तआला की खुश आमदीद भी है अल्लाह व तआला की जानिब से उस पर अजर सवाब का अलान भी है और साथ ही साथ उसके दुनियावी फ़ायद भी, भी हैं कि खदमत खलक़ का भी जज्बा है और साथ ही साथ हमारे जिसम में सेहत के हिसाब से बहुत सारे तब्दीलियाँ पैदा होती हैं तो फिर कोई अक्लमंद इंसान कैसे रोज़े को छोड़ सकता है लिहाजा में कोशिश ये करनी चाहिए कि अला सुबह व तौर की जानब से जो फ़राइज़ हैं उन फ़राइज़ पर मजबूती से अमल किया जाए मैं अल्लाह रबालमीन से दुआ करता हूँ कि लावीन तो हम सब को या एहल आमनु के ज़रिए से जो ख़िताब हम सुन रहे हैं उन तमाम खिताब को सही तौर पर समझने की तोफ़ी अदाफ और उनको अपनी आमदी जिंदगी में नाफिस करने की तोफ़ी फरस की पाबंदी करने और हराम और से जितनाब करने की तोफ़ी तरमा आमीन व आखिर रबी व वरमी ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें